तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके जुलाई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको इसके बाहर मेरे अनुमान से कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं कंटिन्यू गेस पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और किस प्रकार से आपको किस टॉपिक को समझ के सिलेबस के अनुसार आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, फोकस करना है, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको ऑल इंडिया बेस पे कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद इस वीडियोस की लोग कॉपी करके अपने कंटेंट में ऐड करें, तो कोई बात नहीं है। हमारा काम है शुरू से है फ्रेश कंटेंट बनाना, क्योंकि ये चैनल आपका सबसे ओल्ड चैनल है ऑल इंडिया बेस पे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे M2R5.1 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हम टॉपिक आपको बताएंगे, गेस क्वेश्चन बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए M3, M4 के वीडियो बता दी हैं, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम टोटली बात करेंगे M2R5। तो जिन बच्चों ने M2R5 का पेपर लॉक किया होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 23 पे आप आएंगे ओ लेवल सिलेबस में, तो यहाँ पर आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत सी डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि बहुत सी संक्षेप में है, बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे आपको देखने में सिर्फ पांच ही चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा सिर्फ पांच ही चैप्टर हैं बस, लेकिन जब आप इनके अंदर घुसेंगे, मतलब इसके अंदर घुसने का मतलब इसके कंटेंट में जाएंगे, इसके डिटेल सिलेबस में जाएंगे, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें भी बच्चे जो हैं तैयारी तो इसकी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल अगर टॉपिक अगर हम ओ लेवल का बोलें तो आपका M2 वाला ही है। आपको भले प्रोग्रामिंग के वजह से कठिन लगता होगा, लेकिन ये प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार की है, अगर एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है आपका, जो भी ये M2R5 का जो सिलेबस है आपका वेब डिज़ाइनिंग का, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे अनुसार वो है टैग्स। पूरा गेम जो है आपका टैग्स के ऊपर डिपेंड है, पूरी प्रोग्रामिंग जो है टैग्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको टैग्स पता है, कहाँ पे किस टैग का किस समय यूज़ करना है ये आपको पता है, तो आप कोई भी इसमें कोडिंग कर सकते हैं और जो भी MCQs पूछे जाएंगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो पैटर्न इसका क्या रहेगा, वही 100 MCQs आपको मिलेंगे ऑनलाइन बेस्ड। ठीक है, इसमें से आपको मिनिमम जो है 33% आपको लेके आने आने हैं, यानी कि कोशिश करिएगा कि कम से कम 50+ आपके MCQ सही हों और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। पहला है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर HTML बेसिक। अब देखिए, यही नॉलेज इसमें अलग अलग लिख सकता था, लेकिन इन्होंने एक ही में सब कुछ ऐड कर दिया, यानी कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग भी है, एडिटर भी इसी में ऐड कर दिया, और HTML बेसिस। अब ये तीन टॉपिक अलग अलग हैं, तो अगर यहाँ पे जोड़ें तो हम 5, 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है कास्केडिंग स्टाइल से, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में CSS भी बोलते हैं। उसके बाद सेम CSS है, CSS का इन्होंने फ्रेमवर्क ऐड कर दिया है, और JavaScript और उसमें AngularJS यानी कि JavaScript का फ्रेमवर्क ऐड कर दिया गया है, और इसमें फोटो एडिटर, वेब डिजाइनिंग और ब्राउजिंग है। ठीक है, इतना है। अब इसका डीपली अगर सिलेबस देखें तो आप देखिए यहाँ पे कितना सारा HTML बेसिक्स में कितना बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसी प्रकार से CSS में भी आएंगे तो आप देखिए CSS तो एक यहाँ पे दिए ही है, साथ ही CSS का फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको सीधे ले चलते हैं कि आपको जो है इसमें क्या क्या तैयार करना है। आपके लिए मैंने बहुत सारा सुविधा यहाँ पर कर दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ओ लेवल का MCQs परचेस करेंगे M2R5 का, तो हिंदी इंग्लिश में अगर देखें, इंग्लिश में हम ले चलते हैं आपको, तो इसमें मेरे मान से ऐसा कोई भी टॉपिक है नहीं होगा जो कवर नहीं किया हो गया होगा। AngularJS के क्वेश्चन है, HTML5 के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये आपके ये सारे आपके HTML के क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक भी है इसमें, आपका एडिटर भी है, फोटोशॉप सब इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, JavaScript अलग से है, वेब डिज़ाइनिंग के अलग से क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक को इसमें डिटेल में कवर किया गया है। उसी प्रकार से इसी में अगर मैं आपको ले चलूँ Y2W DP में, तो हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं CSS के, JavaScript के, जो जो मेरे को मिल सकते थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया क्या इम्पोर्टेंट है इसमें टैग्स। अब टैग्स क्या है, क्या पढ़ना है, पेपर किस प्रकार से आता है, तो चलिए पहले पेपर ही आपको दिखा देते हैं। तो ये है मॉडल पेपर आपका जनवरी 2023 का, सीरीज नंबर 13 है। ठीक है, पेपर हमारे पास काफ़ी अवेलेबल हैं,
लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब एक ही पेपर था, क्वेश्चन ऊपर नीचे थे। तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें हमको दिखाई देता है w3.txt। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आप फटाफट उसका टैग देख के समझ जाएंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक टैग जैसे कि HTML के जो टैग हैं वो अलग तरह से काम करेंगे, CSS के जो टैग हैं वो अलग, जावा स्क्रिप्ट के टैग वो अलग काम करेंगे, HTML5 के जो टैग हैं वो थोड़े से अलग काम करेंगे, और इसी तरह से CSS फ्रेमवर्क जो है उसको हम लोग लिखते हैं W3 के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं ये किस क्लास प्रॉपर्टीज़ का जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर हम टॉपिक देखें इसमें इसमें जो है सभी ही टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अगर आपसे बोलें कि आप ये टॉपिक को ना पढ़ के जाएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको HTML से, CSS से, ठीक है, और इसके जो फ्रेमवर्क हैं CSS के फ्रेमवर्क, JavaScript के फ्रेमवर्क, एंगुलर JS के क्वेश्चन, ठीक है, फोटोशॉप के क्वेश्चन मिलेंगे, उतने ज़्यादा नहीं हैं। हाँ, वेब पब्लिशिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इसका पूरा पूरा सारा ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कम से कम 10-10 15-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, किसी में 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं w3.txt में टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो क्लास नहीं है, किस में हमारा यूज़ नहीं होता है w3.web। अब ये आपको देखना पड़ेगा ये टैग हमारे किस उसमें आता है। तो इसी के लिए हमने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक PDF तैयार किए हैं जिसमें कि HTML के पूरे चार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये CSS के देख सकते हैं, CSS के कोड्स हैं इसमें, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट से संबंधित इसमें जितने भी टैग्स हैं, और ये HTML5 के जो भी टैग्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारा आपको तैयार करना है टैग्स, आपको थ्योरी पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, थ्योरी अगर आप पढ़ते बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली है क्या, इसमें आपको यही तो समझना है, HTML है, HTML का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, उसके बाद टोटल यहाँ से देखिए सब स्टार्ट हो जाता है HTML में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, डिव, प्री टैग, एंकर टैग में आपके आते हैं नेम, एंकर, इमेज टैग, पैराग्राफ टैग, कमेंट कैसे लगाना है, उसके बाद फिर टेबल के एट्रीब्यूट है इसमें कि बॉर्डर। तो ये सब टैग्स हैं, सबका अलग अलग टैग्स है, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो बस आपको यही तो पढ़ना है इसमें, बस इसी से आपके MCQs बनेंगे। तो देख लिए, मैं पहले PDF ले जाता हूँ। अब पहला देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा हाउ टू, यानी कुछ भी लिख सकता है कि आपका हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी, हाउ टू ऐड कमेंट इन HTML, सॉरी HTML में। तो HTML में हमको कमेंट ऐड करने के लिए चार ऑप्शन आपको दे देगा, इस प्रकार से बना देगा, ठीक है, या फिर डैश लगा के इस प्रकार से कर देगा। तो आपको कमेंट अगर डालना है तो HTML में किस प्रकार से टैग का यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे। तो इसमें देखिए सारे टैग्स हैं, कमेंट के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं और लास्ट में इस प्रकार से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एंकर टैग में यूज़ करते हैं, इस प्रकार से ए से स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से ख़त्म करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे एक डोमेन एक दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद अगर हमको किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए बी लिखते हैं, उसमें एग्जाम्पल बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये बोल्ड देखिए यहाँ पे आउटपुट भी दिया, यानी कि ब्राउज़र पे किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये PDF मैंने आपके लिए तैयार की है, डाउनलोड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने MCQs में भी डाल दूंगा और थ्योरी वाले में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप जो भी कोर्स परचेस करेंगे उसमें आपको ये मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आसान हो जाएगा इसको पढ़ना, ठीक है। आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और BR टैग किसके लिए यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे इस प्रकार से। बॉडी टैग यानी कि बॉडी ऑफ द HTML ऑफ डॉक्यूमेंट, बॉडी, इस प्रकार से बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी टोटल टैग्स दिए गए हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, हमको वही टैग्स पढ़ने हैं जो हमारे इस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। ये सिलेबस देख लीजिएगा, इसके अनुसार ही वही वही टैग पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे एडवांस टैग भी हैं इसमें जो आपके काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो पूरा लिस्ट है हमारे पास। अब जैसे कि हेडिंग हमको लगानी है तो H1 H2 किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट भी इसमें इसमें दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हमको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉन्ट ऐड करना है, तो फॉन्ट देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हमको कोई फॉर्म ऐड करना है वैलिडेशन के लिए, मेल आईडी, नाम
और आपका ईमेल आईडी प्लस सबमिट बटन लगानी है। तो इस प्रकार से देखिए लिखा जाता है, पहले हम फॉर्म को ओपन करते हैं, उसमें नेम इनपुट नेम, नेम में वैल्यू देंगे जो भी इसका साइज रहेगा 10, और BR क्यों यूज़ किया गया, लाइन को ब्रेक करने के लिए, नीचे लाइन में लाने के लिए, और फिर यहाँ पे ईमेल इनपुट वैल्यू जिसका साइज 10 कर दिया, फिर लाइन को ब्रेक कर दिया, और सेंटर में जाके हमने इनपुट सबमिट बटन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है, तो इसी के बेस देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, टोटल जो क्वेश्चन हैं आपके इसी बेस पे पूछे गए हैं। ठीक है सर, जैसे कि ये क्वेश्चन है, सर्विस विज हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका होस्टिंग का है। ठीक है, तो ये जो जो आपका लास्ट में टॉपिक दिया गया है वेब एप्लीकेशन एंड ब्राउजिंग, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखिए सेम इसी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, W3CS का था आपका। उसके बाद है ये आपका आइडेंटिफाई बेनिफिट प्रोवाइड टू फोटो एडिटिंग बिजनेस, फोटो एडिटिंग, ये आपका फोटो एडिटिंग फोटो एडिटर चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है आई फ्रेम आ गया आपका, आई फ्रेम एस्टिमल में यहाँ आपका क्वेश्चन है ये। उसके बाद ए सेट ऑफ नेविगेशन, ये आपका नेविगेशन, ये भी एस्टिमल का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे जीएस लिखा हुआ, जहाँ पे जीएस लिखा हुआ है और इस प्रकार से एनजी और डैश लगा के जो भी आपके मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, वो आपके जावा स्क्रिप्ट में ही आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तो यहाँ पे हैं, देखिए सारे टेक्स्ट जो हैं इसमें तो हमने दिए हुए हैं पीडीएफ्स में, तो यही आपको जो है टेक्स्ट तैयार करके जाना है, इसी से एमसीक्यूज आपके बनेंगे। उसी प्रकार से जैसे सीएसएस है, तो सीएसएस में देखिए कौन कौन से टैग यहाँ पे यूज़ होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, और कहाँ पे कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टैग का नेम, उसमें क्लास एड्रेस क्या होती है, टैग और क्लास क्या होती है, उसके एलिमेंट की आईडी क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सीएसएस में पीसीडू सेलेक्टर्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, इसमें देखिए दिए गए होंगे जो आपके पेपर आए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपका नोटपैड चैप्टर का आया है देखिए। ठीक है, यहाँ पर नोटपैड का वर्जन वगैरह पूछा गया है, कौन सा सपोर्टेबल है। ये W3 आपका CSS का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी CSS का हो गया आपका। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग का देखिए क्वेश्चन दिया गया, फिर ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, रेक्टेंगल मार्के, ये भी आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे CSS के क्वेश्चन आ गए, ये CSS का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए पीसीडू क्लास का पूछा क्वेश्चन, तो ये दिया है, देखिए पीसीडू क्लास आपका पूरा यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ के जाना है, नहीं तो फिर आप भटकते रहेंगे और फिर ना जाने कितनी वीडियोस आप लोग देख डालते हैं, क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे फेल होते हैं। तो पहले से आप तैयारी करें और इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाएँ। देखिए सब, देखिए ये इस प्रकार के नॉलेज जो है क्वेश्चन आप बनाने लगा है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, वो पूछ लेगा व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि जो आपके सीएसएस की स्टाइल शीट होती हैं आपके तीन प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें ये बेसिकली घुमा के पूछते हैं, उसका जो यूज़ करने का कोड पैटर्न है वो नहीं पूछते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कौन सा तरीका जो यूज़ नहीं होता है वो पूछ लिया है, तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ना इंटरनेट पर मिलेगा। ये एक लॉजिकल एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझ के बताना है, जब आपने पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी आप लोग फोकस करना है। उसके बाद देखिए फिल्टर आपका जो पूछ लिया, ये आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम आपको ले चलें क्वेश्चन नंबर 100 पर, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये देखिए जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 100 नंबर, उसके ऊपर जो है व्हाट इज अ टैग आपका पूछा गया, पीस ऑफ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर, ये आपका जो है बेसिकली अगर देखा जाए व्हाट विच टैग इज़ यूज टू रेंडर, ठीक है, रेंडर पीस ऑफ, तो बेसिकली ये आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पूछा गया। सेम ये भी आपका है इवेंट, ये आपका इवेंट हैंडलर वगैरह है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले देखना है, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको तैयार करने हैं। हाँ, अब कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ क्या इसमें पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले तो टैग्स किसके किसके पढ़ने हैं, HTML के सारे टैग पता होना चाहिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, CSS, उसके बाद HTML5, CSS के फ्रेमवर्क जिसको W3 वाला बोलते हैं, ठीक है, और आपका जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस, ठीक है, जो उसका फ्रेमवर्क एंगुलर जेएस, ये टैग्स हो गए। उसके बाद आपके इसमें आ गए फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म है, यानी कि CSS का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद कुछ हैं इसमें शॉर्टकट कीज़, जैसे कि फ़ोटोशॉप में जो शॉर्टकट कीज होती हैं, फ़ोटोशॉप से जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं,
जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको फोटोशॉप में कुछ ब्लर करना है, यानी कि एक्टिवेट गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट किसकी होगी, तो ये इसके लिए फोटोशॉप के एक शॉर्टकट की चार्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगी। आप लोग गूगल पे टाइप करें फोटोशॉप शॉर्टकट की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और वो उसको पूरा रट मारें, उसमें आपका नाम मैं दे दूंगा विशाल, आपको इसी PDF में MCQs में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद शॉर्टकट की टैग्स हो गए, टैग्स पढ़ने हैं आपको सभी के, फुल फॉर्म्स हो गए, उसके बाद शॉर्टकट कीज़ हो गई, ठीक है, फ़ोटोशॉप की, और उसके फ़ोटो, फिर नोटपैड की भी शॉर्टकट कीज़ हो गई, ठीक है, और फोटो एडिटर, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, तीन चीज़ तो आपको पढ़नी है, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, और आपका सिंपल सा नोटपैड जो है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ़ोटोशॉप में तो कोई वर्जन आप ले सकते हैं, CS2, CS6 जो भी है, और है आपका, हाँ, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डॉट लिख दिया CSS किसका एक्सटेंशन है, डॉट HTML लिख दिया किसका एक्सटेंशन है, या डॉट PNG किसका एक्सटेंशन है, ठीक है, डॉट आपका पूछ सकता है, जैसे कि आपका इसमें यूज़ होते हैं आपके फोटोशॉप वगैरह में बहुत सारे एक्सटेंशन, कठिन कठिन एक्सटेंशन है जो यूज़ होते हैं, वो आपके इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक और ये देखिए, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग से, तो इसको भी आपको जो है तैयार करके जाना है। तो यही है, सिंपल सा आपका, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पेपर बहुत इजी है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उतनी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप जैसे इसको परचेस करेंगे और ओपन करेंगे तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो मैंने आपको हाईलाइट किए, देखिए, ठीक है, यहाँ पे सब इसके आंसर और क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर इसके वगैरह का दिखा देता हूँ मैं, तो इसमें सब इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। एंगुलर जीएस का दिखा देता हूँ मैं, तो ये देखिए एंगुलर जीएस क्या होता है, उसकी थोड़ी शॉर्ट में थ्योरी प्लस उसके आंसर यहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो यही है, आपको ये सब जो है टैग्स वगैरह जितने भी हैं जावा स्क्रिप्ट के, एंगुलर जीएस के, और HTML5 के, ठीक है, ये सारे टैग्स आपको जो है पढ़ के जाने हैं, बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे तो मेरे अनुमान से आपका इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसलिए आप इसको क्रैक कर सकते हैं। थ्योरी पे कम फोकस करके इसके जो टैग्स हैं, शॉर्टकट, फीस, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन, इस पे फोकस करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।